या ट्वेल्थ क्लास को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगी अगर आपको इन चीजों का ज्ञान होगा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे 11th क्लास के अभी एग्जाम दे रहे हैं या एग्जाम देकर अभी घर बैठे हुए हैं और उनको लगता है कि 12th क्लास में हम जाने ही वाले हैं कुछ दो चार पांच दिन में या पहुंच चुके हैं, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा। और अगर हमने 11th क्लास में उतनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई नहीं करी, उतनी अच्छे तरीके से हमें अकाउंटेंसी नहीं समझ में आई, तो क्या क्लास 12th हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होने वाली है या हमें क्लास 12th में कुछ समझ में ही नहीं आएगा अगर हमने 11th क्लास में नहीं पढ़ा है? क्योंकि 11th क्लास में बहुत सारे चैप्टर्स थे और उसमें से हमें कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल ही नहीं आते, कुछ चैप्टर्स थोड़े बहुत आते हैं और कुछ चैप्टर जो हमारे हमें अभी अभी एग्जाम में आए थे वो थोड़े बहुत हमें ठीक ठाक आते। तो 12th क्लास में सर 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे लाइक डेप्रिसिएशन, लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, जिनका आपसे पाला तो पड़ा पर आपने उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा। तो 11th क्लास से कौन कौन सी थोड़ी थोड़ी बातें आपकी 12th क्लास में भी काम में आने वाली हैं या 12th क्लास को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगी अगर आपको इन चीज़ों का ज्ञान होगा, तो बिल्कुल भी ना घबराएं अगर आपने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। बट ये 12th क्लास के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें जरूर पता होनी चाहिए, जरूर याद होनी चाहिए, ताकि आपकी क्लास 12th नॉर्मल सी ना गुजरे, वो आपकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। तो सबसे पहली बात दोस्त आप समझना कि आपको 11th क्लास में जो दो शब्दों का ज्ञान मिला था, द वन इज एसेट्स एंड द अनदर वन इज लायबिलिटीज, ये वो एक चैप्टर नहीं था जब आपने इस बात को सीखा था, ये आपके कम से कम 12th क्लास में 11th क्लास में चार ऐसे चैप्टर थे जहां आपने इनका नाम सुना। द वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन, द अनदर वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द अनदर वन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और द लास्ट वन इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। चार चैप्टर में आपको इनका ज्ञान मिला, बट अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं एक दो की बात नहीं कर रहा हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बात से लेकर कंफ्यूजन में कि सर एसेट्स कौन सी होती है और लाइबिलिटीज कौन सी होती है। तो सर आपको इनका ज्ञान 100% होना चाहिए। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप 10 एसेट्स याद कर लो या 5 लाइबिलिटी याद कर लो आपका काम चल जाएगा, आपको 100% एसेट्स और लाइबिलिटीज का ज्ञान होना चाहिए। और अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, हर वो चीज जिसको बेचकर हमें पैसा मिलता है, ऐसे पैसा आता है हमारे पास, वो एसेट्स होती है। ठीक है, अगर आप उसे बेच नहीं पाते बट वो आपको पैसा देकर जाती है, एग्जांपल के लिए आपका डेटर्स, एग्जांपल के लिए आपका बिल्स रिसीवेबल, ये सभी चीजें आपको पैसा देकर जाती हैं, तो आपको वो एसेट मानी जाती है। दूसरी तरफ अगर आपको किसी को पैसे पे करने हैं, आप किसी को पैसे पे करोगे वो आपसे पैसे मांगने वाला है, तो वो लायबिलिटी होगी। एग्जांपल के लिए आपका क्रेडिटर्स, एग्जांपल के लिए आपका बिल्स पेबल, एग्जांपल के लिए आपका बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो पहले पहली बात समझ लो, एसेट और लायबिलिटीज का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप क्लास 12th में आ रहे हो, क्योंकि यहां बहुत बार बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बहुत बार जो आपका एमसीक्यू पैटर्न है उस पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपकी क्लास 12th में एसेट और लायबिलिटीज से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखने वाली है। तो मैं थोड़ा सा और छोटे से पार्ट में इसको कंप्लीट करता हूं कि एसेट सर आपकी दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड और एक करंट। फिक्स्ड जो होती है वो भी अगेन दो टाइप की होती है, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा उनको बहुत बार बहुत सारी चीजें याद आ रही होंगी, सर फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है, इनको हम नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं इनको। फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम नॉन करंट एसेट्स भी होता है, टेंजिबल नेचर की होती है और एक इंटेंजिबल नेचर की होती है। दोनों ही एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म के लिए यूज होती है। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहां आपका लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्स्चर्स। इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल दूं मैं आपको तो गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सभी चीजें आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कुछ चीजें जो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है ये एसेट है भी या नहीं, लाइक एग्जांपल दूं मैं प्रेमिसेस, इसको बिजनेस प्रेमिसेस भी बोल सकता है, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल। तो आपका इनका ज्ञान होना जरूरी है कि ये हमारी एसेट्स होती है, हमारी लायबिलिटीज नहीं होती।
ये फिक्स्ड होती है, जो कि एक टेंजिबल नेचर की और एक इंटेंजिबल नेचर की। वहीं अगर मैं करंट एसेट्स की बात करूं तो स्टॉक, और स्टॉक का एक दूसरा नाम होता है दोस्त इन्वेंट्री। क्या होता है? इन्वेंट्री, मतलब उसको स्टॉक भी बोला जा सकता है और उसको इन्वेंट्री बोला जा सकता है। क्लास 12 में ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको इसकी। नेक्स्ट आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, नेक्स्ट आपका बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये आपकी करंट एसेट्स होती है दोस्त, ठीक है। एक्रूड इनकम्स, एक्रूड इनकम, ये सभी चीजें आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, ये करंट एसेट्स होती हैं। आपको ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी कौन कौन सी एसेट्स होती हैं और उन एसेट्स में कौन कौन से नेचर होते हैं, कौन सी फिक्स्ड, कौन सी करंट, कौन सी टेंजिबल, कौन सी इंटेंजिबल। इतना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है, इतना ज्ञान दोस्त आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दैट चलते हैं हम लायबिलिटीज में, जो कि अगेन दो पार्ट में डाली जाती हैं आपके। यहां फिक्स्ड की जगह वर्ड आ जाता है नॉन करंट, और दूसरी वर्ड आता है आपका करंट, मतलब जो लॉन्ग टाइम के लिए पैसा लिया आपने वो आपका नॉन करंट होता है, और जो शॉर्ट टाइम के लिए आपने पैसा लिया है वो आपका करंट लायबिलिटी होता है। नॉन करंट लायबिलिटी में आपके लॉन्ग टर्म लोन्स आते हैं, बैंक लोन आता है आपका, डिबेंचर्स आते हैं आपके, ये सभी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। बहुत लंबे समय के लिए अगर आपने कोई एडवांस ले रखा है तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में आपको पता है आपका क्रेडिटर आता है, याद होगा आपको क्लास 11 से लेकर, नहीं याद है तो अब अभी मौका है। बिल्स पेबल आता है आपका, आफ्टर दैट आपका एडवांस इनकम आती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं आपके, आपका बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, आपके शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं। मतलब एक तरीके से ये देखा जाए कि पूरी क्लास 11 एक या दो वीडियो में रिवाइज होने वाली है, और आपको पूर्ण रूप से ज्ञान दे रही है कि सर ये एसेट्स होती हैं आपकी और ये लायबिलिटी होती है, जिससे आपकी क्लास 12 बहुत हद तक, मैं थोड़ी सरल नहीं बोल रहा हूं, बहुत हद तक सरल होगी और वहां पर कॉन्सेप्ट सीखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। ये एसेट और लायबिलिटी का ज्ञान आपके क्लास 11 में कई सारे चैप्टर्स में दिया हुआ था, जैसे मैं बताऊं अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट और अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। क्लास 12 में भी ये कई बार यूज आने वाला आपको, जगह जगह पर, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग तरीके से, और कॉन्सेप्ट सीखते समय आपको बहुत ज्यादा मजा आता है। आफ्टर दैट मैं बात करूं क्लास 11 का एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था कि सर कैपिटल निकालने के लिए, जो कैपिटल होती है ना आपकी लायबिलिटी साइड में जाती है, कैपिटल निकालने के लिए आपको सभी एसेट्स में से, ऑल एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करनी होती है। जो लायबिलिटीज होनी चाहिए वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होनी चाहिए। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है दोस्त? जो हम बाहर वालों को पे करते हैं, मतलब मैंने यहाँ जितनी भी लायबिलिटीज लिखी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, आपकी बैंक लोन, ये सभी आपकी दोस्त कौन सी लायबिलिटीज होती हैं? ये सभी लायबिलिटीज सर हमारी एक्सटर्नल होती हैं, क्योंकि हमें किसी बाहर वाले को पेमेंट करना होता है। तो हम कैपिटल निकालने के लिए इस फॉर्मूले को कई बार यूज करते थे अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में भी, और अपने अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री वाले चैप्टर में भी। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है कि कैपिटल क्या होती है सर? ऑल एसेट्स में से जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं तो हमारी कैपिटल निकाली जाती है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला था यहां पर कि सर हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल होती है, आपको याद होगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में यूज करते थे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आप कैपिटल साइड जाते थे, और अपनी ओपनिंग कैपिटल जो शुरू में आपने बिजनेस में लगाई थी, उस ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल जोड़ देते थे। एडिशनल कैपिटल मतलब ड्यूरिंग द ईयर आपने जो बिजनेस में दोबारा पैसा लेकर आए, अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट हुआ है, उसको भी आप जोड़ देते थे। अगर ड्यूरिंग द ईयर आप घर पर कुछ पैसा ले गए, कुछ सामान ले गए, तो ड्राइंग्स को आप माइनस कर दिया करते थे। ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल जोड़ दें, नेट प्रॉफिट जोड़ दें और ड्राइंग्स माइनस कर दें। अगर कोई लॉस हुआ है पूरे साल में तो प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, तो आपको उसको ही माइनस कर दें। ये फॉर्मूला ही आपकी पूरी क्लास 12 की पार्टनरशिप चैप्टर में आपसे बार बार, हर बार अपने तरीके से पूछेगा। बस आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये वही फॉर्मूला है, वहां प्लस माइनस करते थे और यहाँ डेबिट क्रेडिट सिखा रहा है हमें। 11th क्लास में आपको प्लस माइनस के तरीके से सिखाता था इस फॉर्मूले को, और 12th क्लास में डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से सिखाने वाला है। मतलब 11th से 12th क्लास में जब आप जाते हो तो आपको एसेट लायबिलिटीज का एक भरपूर ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मुझे जो जो चीजें याद आती जा रही हैं आपके संग डिस्कस करता जा रहा हूं। अगर कोई भी प्रोविजन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम, वो भी आपकी करंट लायबिलिटी होगी। अगर कोई भी प्रोविजन लॉन्ग टर्म होगा दोस्त, मतलब ऐसा प्रोविजन जो हमें
बहुत दिनों में पेमेंट करना है उसको हम प्रोविजन बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी होता है। इन बातों को आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन बातों में अटकते हो क्लास ट्वेल्थ में तो आपके चैप्टर का मजा किरकिरा हो जाता है। समझ में आ रही है मेरी बातें? तो 10 मिनट की इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ताकि आप वहाँ पर नहीं अटके इनको लेकर। तो इसके संग सर एसेट लायबिलिटी का ज्ञान हो गया, हमें दो जो फॉर्मूले यूज होने हैं बहुत हद तक उनका ज्ञान हो गया। इसी के साथ मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगा, यहां पर कुछ जर्नल एंट्री और कुछ लेजर अकाउंट्स, ठीक है? जर्नल और लेजर आपने जल्दी में सीखे थे, कई बार गलती होती थी, तो आपको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होना चाहिए। रियल पर्सनल नॉमिनल का ज्ञान है तो ठीक है, एसेट लायबिलिटी का ज्ञान है तो ठीक है, बट अगर नहीं है तो मैं कुछ जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। आपको बताना है कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब चाहिए और आप कितने एक्साइटेड हो उसके लिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे इससे रिलेटेड। और लास्ट दो बड़े मजेदार सी बातें आपसे और करने वाला हूं सर मैं यहां पर नेक्स्ट में। मैं जर्नल एंट्री और लेजर अकाउंट्स तो बताने ही वाला हूं, साथ में एक छोटी सी बात मेरी और सुन लें कि सर इन चीज़ों को आपको विशेष रूप से याद रख लेना, तो चाहो तो लिख सकते हो इनको, और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब।